पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए एच वन बी वीजा के लिए विदेश श्रम प्रमाण प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो उस कंपनी का नाम है TCS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2018 किसने जीता? इन्वेस्ट इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान शुरू किया था? तो ये है पर्यावरण मंत्रालय। आगे बढ़ के बात करते हैं, जापानी नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है ओसामू शिमोमुरा। ठीक, जो कि एक समुद्री जीव वैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में वर्ष 2018 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर आपका रहा गूगल अल्फाबेट, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर एप्पल कंपनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो जापान, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि पूछा जा रहा है संयुक्त अभ्यास जो सैन्य अभ्यास से काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, इंडो जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है धर्म गार्डियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पे कि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नोट कर लीजिएगा आप इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ की शाही लीची को GI यानी कि भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का एक जिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सरकार ने विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जिसका नाम क्या है? स्वस्थ भारत यात्रा। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है कि जो आपका अभियान जो होता है, अभियान से रिलेटेड आपके कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है रीमा हुजा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युवा ओलंपिक खेल 2018 का शुभंकर क्या है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका पूछा जा रहा है खेल से संबंधित में, तो इसका जो नाम है पंडी। और ये कहाँ हुआ था युवा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ हुआ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी व्यूनस आयरस में। ठीक, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़कर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, युवा ओलंपिक खेल 2018 में तीरंदाजी में भारत के लिए पहले सिल्वर मेडल किसने जीता? इनका नाम है आकाश मलिक, जो कि मात्र 15 साल के ही अभी हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे पेज पे आते हैं। देखिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं। ठीक है, 13 में क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो 98 स्थान पर रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12वां एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स। और इस बार का थीम क्या था? ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक, और बात करें अगर यहाँ पे ब्रुसेल्स की बात करें, तो ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी? तो बेल्जियम की राजधानी। और यहाँ का मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑनलाइन वित्तीय सेवा बाजार बैंक बाजार कंपनी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SS मुंद्रा को, जो कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2018 के लिए मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? एन्ना वर्नस। ठीक, जो कि एक इनका उपन्यास है मिल्कमैन। ठीक है, इनका उपन्यास मिल्कमैन के लिए इन्हें मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंडिया यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कई बार पूछा जाता है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। और इसका थीम यहाँ पे देख लीजिए, कमिंग टुगेदर विद दोज फर्दस्ट बिहाइंड टू बिल्ड एन इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। ठीक है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोमोमा। ठीक है, डोडोमा। और मुद्रा क्या है? स्टर्लिंग। अभी मैं क्यों यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि भारत और तंजानिया के बीच कुछ समझौते हुए, अगर समझौते हुए होते हैं जहाँ जिस कंट्री का, तो वहाँ से कंट्री नेम या करेंसी पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रियांक कोनंगो को। ठीक, इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है।
आगे बढ़ के बात करते हैं युवा ओलंपिक खेल। युवा ओलंपिक खेल का पहला एथलीट्स पदक किसने जीता, तो इनका नाम है सूरज पंबार, जो कि 5000 मीटर रेस वॉक में जीता है इन्होंने और मात्र अभी 17 साल के ही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए GPF सामान्य भविष्य निधि ब्याज दर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 8% मीन्स कि 8% वृद्धि हुई, जो कि पहले था जुलाई सितंबर में 7.6%। ठीक, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्डिंग लेगेसी नामक जीवनी, ठीक है, बिल्डिंग ए लेगेसी नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? जिनका नाम है पी पट्टाभिराम, ठीक है, अनुमोलू रामकृष्ण, जो भारतीय निर्माण क्षेत्र में अभिनव प्रणालियों और निर्माण तकनीकी के उपयोग में अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, तो जो पुस्तक जीवनी लिखी गई है पी पट्टाभिराम द्वारा लिखी गई, और किसकी जीवनी है? तो अनुमोलू रामकृष्ण की ये जीवनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AMFI मतलब कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है निमित शाह। ठीक है, जिनका नाम है निमेश शाह, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के भारत के सामाजिक उद्यमी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है प्रेमा गोपालन, जो कि एक स्वामी शिक्षा प्रार्थना के संस्थापक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IRCTC ने अपनी वेबसाइट के लिए एक नया AI आधारित सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है, उस चैटबॉट का नाम है आस्क दीक्षा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण को पहले पूरा करने वाले राज्यों के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का पुरस्कार घोषित किया है? तो जो रुपए घोषित करने का यहाँ पे ऐलान किया गया वो है 100 करोड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सह संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? पॉल एलन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है, जो कि हाल ही में किनका निधन हुआ है। ठीक, आगे बढ़ के फिर एक और क्वेश्चन है कि जी डी अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो एक पर्यावरणविद थे। तो जो जिनका अभी हाल में निधन होता है उनसे रिलेटेड एक आध सवाल एग्जाम में देखने को बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई पैरा खेल 2018 कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक, आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एशियाई पैरा खेल 2018 का शुभंकर क्या था? तो मोमो नामक एक बंडोल ईगल था। ठीक, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेल से अगर बात करें तो ये पूछा जाता है। आगे बढ़ के बात करते हैं। 6th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2018 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और इस बार का जो 2018 की बात करें, 2018 का थीम क्या था? आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और इस बार का थीम क्या था? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सितंबर 2018 में WPI मीन्स की थोक मूल सूचकांक मुद्रास्फीति बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 5.13% हो गया, जो कि अगस्त में कितना था? 4.53% था। ठीक, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन भविष्य नीति पुरस्कार 2018 किस राज्य को दिया गया? तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक, चलिए बात है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं। 8th सुल्तान जौहर कप 2018 जूनियर हॉकी खिताब किसने जीता? ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। और यहाँ पे अगर बात करें मलेशिया, ये कहाँ हुआ था? ये मलेशिया में हुआ था, और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मुद्रा की बात करें तो रिंगित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु प्रदूषण का मुकाबला के लिए दिल्ली में किस प्लान को लागू किया गया? तो GRAP मीन्स की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी 2018
के विजेता कौन है? लिएंडर पेस, जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवीं RCEP मीन्स की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2018 अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? सिंगापुर में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, कई बार आपको देखो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे कि एशियन, एशियन का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन नेशंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 103 रहा भारत का, और पहले स्थान पर कौन रहा? बेलारूस। ठीक, आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। और इस बार 2018 का क्या थीम है? 2018 का जो थीम है, रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अन्नपूर्णा देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थी? वे एक संगीतकार थी, और इनका जो विवाह हुआ था ना, महान सितार वादक रविशंकर से हुआ था। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश का पहला इंडिया इसराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला इंडिया इसराइल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 115, जिसमें इस बार की जो थीम की बात करते हैं, 2018 का जो थीम है, ठीक है, द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, और इसमें प्रथम जो स्थान पे रहा वो सिंगापुर, और 115वां स्थान पे रहा भारत। ठीक, और इसका जो है विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? उनका नाम है तुषार मेहता। कुछ और इंपॉर्टेंट इसके बारे में तरह जानते हैं कि सॉलिसिटर जो जनरल की बात करें, तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद सरकार का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग कानून अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। ये तो हो गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो गए, और अटॉर्नी जनरल अभी जो वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में जो हमारा है क्वेश्चन, देखिए M.N. पलूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? एक मलयालम कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 युवा ओलंपिक खेल का मेजबान देश किसे चुना है? सेनेगल, जो कि अफ्रीका का एक देश है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक, आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमिंग प्राइज 2018 किसने जीता? तो इंडस टावर्स ने जीता, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार टावर कंपनी है, जो सेवा क्षेत्र में भारत की पहली भारतीय कंपनी है। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा खेल 2018 भारत के स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, और इन्होंने एशियाई पैरा खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन का ताज किसने जीता? तो वीना सेंट्रे ने, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? 147 पहले स्थान पर की बात करें तो डेनमार्क, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। ठीक, चलिए आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि युवा ओलंपिक खेल 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता गोल्ड मेडल किसने जीता है? सौरभ तिवारी ने। ठीक, चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं, 17वीं संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई? दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ताजिकिस्तान का ये कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, और 2018 का थीम क्या है? विथ हर स्किल्ड गर्ल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तितली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI बैंक के MD एंड CEO के रूप में हाल ही में, जो कि 2018 में नियुक्त किया गया, इनका नाम है राकेश शर्मा, जो कि 6 महीने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगर इससे IDBI बैंक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, और थीम क्या है इस बार का? यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन कौन कौन सा है।
अंडर 19 एशिया कप 2018 किसने जीता? भारत ने किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा किस मोबाइल हेल्थ ऐप को शुरू किया गया है? तो इस ऐप का नाम है मिड वॉच। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? जापान का, और इसमें भारत का क्या स्थान है? 81। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनु भाकर, जो कि मात्र 16 ईयर्स ओल्ड की हैं और ये शूटर हैं। ठीक है, चलिए शूटर से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की वृद्धि दर 2018 में अनुमानित कितना किया था? 7.3%। और 2019 की बात करें तो 2019 में कितना अनुमानित किया? 7.4%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारत तोलक वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? जेरेमी लालिंगुआ, जो कि 15 ईयर्स के हैं मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एक्सपो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 कहाँ हुआ? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इस बार 2018 का थीम की बात करें तो 2018 का थीम है साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और 2018 का थीम क्या है? इमेजिन यू आर अ लेटर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, व्हाट मैसेज डू यू विश टू कन्वे टू योर रीडर्स? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारत के लिए पहला जूडो पदक किसने जीता? तो इनका नाम है थांग जम तबाबी देवी, जो कि 16 ईयर्स के हैं, और सिल्वर मेडल इन्हें मिला है। ठीक है, जूडो में सिल्वर मेडल इन्हें मिला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, और मुद्रा क्या है? सुनोगी सोगोनी। ठीक, जो कि अब किस लिए बताइए? क्योंकि यहाँ पे भारत का ताजिकिस्तान से समझौता हुआ, तो इससे रिलेटेड शायद आपको कैपिटल या करेंसी पूछ दिया जाए। चलिए, अब इन नोबेल प्राइज़ विनर 2018 का एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या रहा इंपॉर्टेंट? फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में किनको इनमें मिला है? संयुक्त रूप से जेम्स पी एलिसन और तसाकू होंजो, जो कि USA और जापान से बिलोंग करते हैं। भौतिकी विज्ञान की बात करें तो ऑर्थर आस्किन, जो कि USA से बिलोंग करते हैं। फेराड मोरो, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। डोना स्ट्रिकलैंड, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। बात करें रसायन विज्ञान के तो फ्रांसिस एच अर्नाल्ड, जो कि USA से बिलोंग करते हैं। फिर जॉर्ज पी स्मिथ, जो कि USA से बिलोंग करते हैं। सर ग्रेग टी पी विंटर, जो कि UK से बिलोंग करते हैं। चलिए, शांति की बात करें तो शांति में डेनिस मुकवेज को, जो कि कांगो से बिलोंग करते हैं, कांगो कंट्री से। और नाडिया मुराद, जो कि इराक से संबंधित हैं। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में विलियम डी मॉडहॉर्स को मिला है, जो कि USA से बिलोंग करते हैं। और पॉल एम रोमन, जो कि USA से बिलोंग करते हैं। चलिए, अब ये नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि निर्माण कुसुमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो उड़ीसा में। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भारत की कीर्तना पांड्यन ने, जो कि बात करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि कहाँ हुआ था ये खेल। ठीक है, IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग्स रूस में हुआ था। और IBSF का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया जापान के बीच समुद्री अभ्यास 2018 का नाम क्या है? GMX-18, जो कि विशाखापत्तनम में हुआ। बात करते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2018 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WFE कार्यकारिणी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम लियाम को। और WFE का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? संजय वर्मा को। स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड, और करेंसी की बात करें तो यूरो। चलिए, भारत का पहला मेथेनॉल पार्क कला ईंधन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ई भुगतान स्वीकृति पर 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? 28वां पे। और प्रथम स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया केम 2018 सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में, याद कर लीजिएगा इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के तटरक्षक वियतनाम संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सहयोग होप टैग 2018।
और वियतनाम की राजधानी हनोई और मुंद्रा डोंग। तो गाइस कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।